देवी देवता के लिए यह अनिवार्य नहीं कि कौन किसका भक्त है और किसका नहीं। उनके लिए तो केवल यही अनिवार्य है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। यदि आज चंद्रधर तुम्हारा भक्त बन जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुझे प्रिय नहीं। मैं उसे जिस दृष्टि से देखता सदैव उसी दृष्टि से देखता रहूंगा। उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जानती हो क्यों मनसा? क्योंकि देवी और देवता कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। जब भी वह स्वार्थी हुए हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा है।